अभी हम बैतापुर स्कूल में आ गए हैं जो नरकटियागंज विधानसभा भिड़ेरवा पंचायत के अंतर्गत आता है, और इस स्कूल में एक सूचना मिली है कि यहाँ पे चावल की चोरी हुई है, इसकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हाँ बताइए, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? जानकारी 12 बोरा चावल हो गया, एक बार नहीं हुआ, इससे पहले 4 बार स्कूल के अंदर चोरी हुआ है, चावल तसला हंडा सब कुछ चोरी हुआ है। ये फिर भी ये लोग नहीं, आज से नहीं, शुरू से ये नहीं, लोग आज तक नहीं कंप्लेन किया है, ना कुछ भी किया है, ना कुछ भी करते हैं, सब यही लोग जान करके यही लोग चुप हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे व्यवस्था इनका कमजोर है या कैसे, क्या है यहाँ इनका व्यवस्था कमजोर है, इन लोगों का सरासर कमजोर है। व्यवस्था में क्या कमी है? देखिए सामने दरवाजा लगाया गया है, इसमें आगे 11 रुपये का ताला है, ये ताला चलेगा कितना दिन? ताला चलेगा ये 11 रुपये का ताला कितना दिन चलेगा? इसमें चावल है, चावल मंदिर में रखा जाता था तो लोग कहते हैं कि मंदिर चोर है, चावल रखा गया था गांव में तो गांव में वहाँ गाँव वाला चोर है, तो कौन सा ईमानदार है साला जिसको कहा जाए कि उसके वहाँ ले आकर रखा जाए? और जब हम लोग कह रहे हैं कि चावल फलाना जगह रहेगा तो ये कहते हैं कि प्रशासन का कहना है, खेती को क्या बोलता है मास्टर साहब, MDA प्रभारी का कहना है कि नहीं ऑर्डर है स्कूल में लगते हैं, MDA प्रभारी आकर के संभाले ना, यहाँ पर चावल गया है 12 बोरा 14 बोरा, अभी जो गया है इसका कीमत दे, पहले जो गया है वो लगभग 50,000 रुपये गया है, उसका कीमत दे, आकर के वहाँ समझे। लगभग अभी तक एक साल के अंदर में कितना बार? एक साल के अंदर में 2 बार चोरी गया है, 2 बार चोरी हुआ है, दो बार हुआ है। स्कूल से कोई सामान भी गया है, जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया? नहीं, बेंच कुर्सी सब उठ करके चला गया है यहाँ से, यहाँ तक हांडा जो था खाना बनाने वाला वो भी यहाँ से चला गया। क्या सर आपके रीजन में हुआ है सब? नहीं, मेरे रीजन में तो एक बार यही हुआ, चावल चोरी हुआ है बस, एक बार यही मारे बोले चावल की चोरी मेरे रीजन में हुई। एक चीज हम दिखाना चाहेंगे कि जो ताला यहाँ पे लगा हुआ है, ताला देखिए कितना नया ताला हुआ लगा हुआ है, अभी लोग ला करके छोटा वाला ताला था इससे पहले, और इसमें गेट में भी वही हाल है, अगर पैर से लगा दिया जाए तो गेट भी बाहर आ जाएगा। क्या नीतीश कुमार जी की व्यवस्था है, इसको इनाम देने की जरूरत है। और इस स्कूल के अंदर बताइए स्टोर रूम, क्लासरूम को स्टोर रूम बनाया गया है, यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे एक क्लासरूम है नीतीश कुमार जी का, व्यवस्था देखिए कितना सुपर है, एक क्लासरूम है और यहाँ पे स्टोर रूम और पुस्तकालय रूम दोनों चीज बनाया गया है, बुक का भी स्टोर है, चावल का भी स्टोर है, वाह क्या व्यवस्था है जी, देखिए तो। और यहाँ पे गांव के भाई मिल गए हैं, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं ये दरवाजा क्या कंडीशन